समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने है, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। नवनीत राणा ने एक ऐसा वीडियो बना के डाला जिसके अंदर खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया असदुद्दीन अवैसी को, और अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में क्या बोला वो आप सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिन लोगों को नहीं पता। लेकिन उससे पहले आप नवनीत राणा का ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे वो किस तरह से बोलते हुए नजर आ रही है, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ हेट्रेड स्पीच के साथ कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माझी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूं मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने है, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो जैसा कि आपने नवनीत राणा का छोटा सा वीडियो देख लिया हो कि नवनीत राणा ने किस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में बोला कि गली गली में राम भक्त घूम रहे, तूने अच्छा अपने छोटे भाई को अंदर रखा वरना, आपने सुन लिया उन्होंने क्या बोला। लेकिन क्या आप सभी को पता है पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, जिन लोगों को पता उन सभी को बता दूं, सबसे पहले नवनीत राणा हैदराबाद जाती है और हैदराबाद के अंदर ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादिक बयान देती है जहां पे 15 सेकंड का बोलती है कि 15 सेकंड में तेरा छोटा भाई किधर जाएगा किधर आएगा पता नहीं चलेगा। अब ये वाले बयान का रिप्ले देते हैं असदुद्दीन अवैसी कुछ इस तरह से बोलते हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हो, अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर दो तुम संभाल लो फिर तुम संभालो, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो बोर बच्चा है सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल कल से शुरू करो बैटिंग, अभी खाली उन्हों टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1-2-3 कर रहे, अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का इनको 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूँ मैं, बोलो ना कहाँ पे आना आता हूँ मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊँ तुम्हारे ऑफिस पे आऊँ कहाँ पे आऊँ बताओ, 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मूर्ख है ये, क्या है यहाँ पर। आपने वीडियो देखी लाऊंगा, ये वाली वीडियो के अंदर कुछ वैसे ये बोलते कि मैंने छोटे को रोक के रखा हो। लेकिन आप दादू फिर से नवनीत राणा रिप्ले देते हुए अपने स्टैम्प पे ये वाला वीडियो अपलोड करती जो आपने स्टार्टिंग में देखा है, तो मतलब आप सभी को बता दूं पहले खुद नवनीत राणा बोलती है उसके बाद रिप्ले देते हो फिर से उनका रिप्ले देती है। लेकिन ऐसे में अभी तो सबसे बड़ा रिप्ले आना बाकी है अकबरुद्दीन अवैसी का, और इस पर असदुद्दीन अवैसी का भी रिप्ले आएगा जिस तरह राम भक्त और मोदी जी की सेना के बारे में जिक्र किया, मतलब खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया, खुल्लम खुल्ला क्या बोला आपने देख ही लिया। लेकिन ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका क्या बोलना आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगले अपडेट के लिए और अकबरुद्दीन अवैसी की वीडियो के लिए तैयार रहिए, मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे बता दूंगा, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए।